सर, ऑडिशन के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑडिशन कहाँ पे जाए देने, तो ऑडिशन के बारे में कुछ यहाँ से लिंक मिल सकता है मिलेगा क्या? ना, वही तो बोल रहा हूँ आपको, हमारे पास कंप्लीट मिलेगा ऑडिशन हाँ, कहाँ पे देते हैं और जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ। अगर आप एक्टिंग, डांसिंग या फिर सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइज, मैं हूँ अभिनव, आपका मुंबई ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन सा एक्टिंग स्कूल है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ पे हम जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि हमारे बजट में वो आएगा या नहीं, हमारे टाइमिंग में वो आएगा कि नहीं, कि हम जॉब भी कर सकें और वो हम अपना क्लास भी ज्वाइन कर सकें। तो गाइज, सारी डिटेल वहाँ पर जानेंगे, तो चलो चलते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो गाइज, हम आ गए हैं यहाँ पे, ये हमारा एक्टिंग क्लास रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे आपको सारी जानकारी हम अंदर चल के दिखाएंगे। तो हम सर से भी मिलाएंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है, फिर स्ट्रक्चर या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ हम अंदर जाके समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ, सो गाइज, हम आ गए हैं यहाँ पे, सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, संदीप सर हैं, तो ये आपको बताएंगे, पूरी डिटेल बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे कितनी फीस लगती है। तो सर से पहले पूछेंगे कि सर आप क्या सिखाते हैं? जी, मैं एक्टिंग सिखाता हूँ यहाँ पे, मुझे दो से तीन साल का एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं एक्टिंग सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिसेंटली ओपन किया है विरार में, माँ सुदमा प्रोडक्शन के साथ मिलकर। माँ सुदमा प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। ओके। जहाँ पे ए टू जेड, मतलब फिल्म बनाने के लिए जो कुछ मतलब लगता है ना, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब। तो हमारे चैनल पे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कि बताइए एक्टिंग क्लास कहाँ पे सीखे। हम बहुत कंफ्यूज हैं कि वहाँ पे लाखों लाखों रुपए मांगा जा रहा है अंधेरी में, और हम कैसे सीखें। हम तो, हमारे पास तो खुद रहने का पैसा नहीं है, हम किसी तरह से हम सोच रहे हैं कि हम कुछ सीखें, लेकिन इतना पैसा है ही नहीं कि हम फीस दे पाएँ। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ओके, ये अपने पॉइंट की बात पूछी मुझसे, लाखों रुपये क्यों भरना है। पहले ये सोचिए कि एक्टिंग सीखने के लिए आप लाखों रुपये दे क्यों रहे हो। ठीक है, एक्टिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार यहाँ पर जहाँ पे जाओगे वो लोग बोलेंगे नहीं, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है या फिर कुछ टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन है, आप ले लोगे तो आपको एक्टिंग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आपको खुद पे काम करना पड़ता है। ठीक है, पहले ये आप अपने जहन में डाल लीजिए कि एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। आपको कुछ टेक्निक्स होते हैं, बस उतना सीख जाओगे ना तो आपको एक्टिंग आ जाएगी। और रही फीस की बात, तो हम लोग बहुत, मतलब बहुत कम फीस लेते हैं, 1500 रुपये महीना, मतलब मुंबई में इतनी कम फीस कोई भी नहीं लेता है। अच्छा। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। और एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हम लोग काम की गारंटी देते हैं। जैसे कि मैंने बोला माँ सुदमा प्रोडक्शन हाउस, तो इनके पास वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, एल्बम, ये लोग कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं, तो इसके अंदर आपको काम की गारंटी हम दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सर क्या उनको क्या काम मिल जाएगा अगर वो आपके यहाँ आते हैं? और वो तो हम लोग नहीं बता सकते क्या काम मिल जाएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट है या फिर बच्चों पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं लोग, बच्चों पे कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट रहेंगे बच्चे, तो हम लोग उन्हीं को काम देंगे। अच्छा, बड़ों अच्छा। को तो काम नहीं देंगे। जो कैरेक्टर जिसको सेट होगा हम पक्का उसको देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब जो टैलेंटेड रहेंगे, अगर उनमें रहेगा वो चीज़ कैपेसिटी रहेगी, तो उनको मिलेगा काम। हाँ, तो गाइज ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 1500 रुपये क्या है, 1500 रुपये में कुछ भी नहीं होता आज के टाइम पे, और 1500 रुपये में आपको एक महीने आप सीख सकते हो जो आप चाह रहे हो। मुंबई बहुत सारे लोग, ज़्यादातर 90% लोग तो एक्टिंग करने के ही पर्पज़ से आते हैं, उनका कोई क्रिएटिव फील्ड में उनका इंटरेस्ट होता है, तो चाहते हैं कि हम मुंबई चलते हैं। मुंबई आने के बाद वो या तो जॉब में फंसे रह जाते हैं, वो जॉब में अपने भूल जाते हैं कि हमें करने के आए हैं। आप जॉब करने के साथ साथ यहाँ पे उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, उसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहेंगे, उसके बारे में बताएंगे कुछ? जी, कि जो लोग जॉब करते हैं वो कैसे हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ को? अभी देखिए, मुंबई छोटी सिटी नहीं है, मुंबई बहुत बड़ी सिटी है। फिलहाल आप एग्जांपल समझ ले, आप विरार में हो, अभी फिलहाल आप विरार में रहते हो, लेकिन आपको जॉब लोकेशन विरार में नहीं मिलेगी। आप भले कॉल सेंटर पकड़िए या फिर जो भी जॉब करना चाहते हो, अंधेरी गोरेगांव जाना पड़ेगा। तो आप अंधेरी जाओगे, लगेगा लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। फिर अंधेरी में फिर स्टेशन पहुंचोगे, स्टेशन के बाजू में आपको ऑफिस नहीं मिलेगा आपको। फिर वहां से आपको मिनिमम 30 मिनट्स का टाइम लगेगा आपको ऑफिस रीच होने के लिए। फिर जाओगे, फिर लगभग 8 घंटे की शिफ्ट होगी, फिर 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होगी, फिर आने जाने का 3 घंटा पकड़े तो हो गए लगभग सीधा 11 से 12 घंटा हो गए। फिर 12 घंटा आपको उसके अंदर चले जाएंगे, फिर आपको खाना सोना ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप मतलब सोच के आइए, एक माइंडसेट बना के आप मुंबई आइए। ठीक है, अगर आप, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं ना कि एक्टर बनने के लिए मुंबई आए लेकिन वो जॉब में फंस गया अभी फिलहाल। क्यों? लाइक उन्होंने पहले बहुत सारी फीस भरी है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, वो सब उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लाखों रुपये फीस भरा है उन लोगों ने, और कितना 3 महीने का कोर्स कर लिया उनको,
उन्होंने 3 महीने कोर्स कर लिया लेकिन उनको अभी भी एक्टिंग नहीं आती, आती है लेकिन उनकी प्रॉपर एक्टिंग नहीं कर पाते कैमरे के सामने। लाखों रुपए वहाँ पे डालने के बावजूद उन लोगों को अभी तक काम नहीं मिला। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लाख रुपए लेके आ रहे हो, वो माइंडसेट बना के आ रहे हो कि मैं ये इंस्टीट्यूट में मतलब एक्टिंग कोर्स करूँगा, लेकिन आप ये सोचे कि 3 महीने बाद आप क्या करोगे। आप एक्टिंग आपने सीख ली, मानिए आप 3 महीने में एक्टिंग सीख भी लिया, तो उसके बाद में आप क्या करोगे 3 महीने के बाद? तो ये सब सोच के आइए आप, मतलब 3 महीने के बाद आप क्या करोगे। तो मैं बोलता हूँ कि आप मेरा हमारे पास आइए, 1500 रुपये महीना फीस रहेगा हमारे पास, और प्लस पॉइंट है कि आप जितने पैसे लाओगे ना उतने पैसों में आप मिनिमम 1 साल तो आराम से निकाल पाओगे यहाँ पे। 1 साल आप सोच के आइए, आप 1 साल एक्टिंग के लिए दीजिए ना, 1 साल प्रॉपर एक्टिंग के लिए। जॉब तो लाइफ टाइम करना है, जॉब से कोई नहीं बचा है, पेट के लिए ना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन आप सपनों के लिए मिनिमम 1 साल आप दीजिए, ये मेरा कहना है। मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो मेरे पास लड़के आते हैं उनको जॉब के लिए भी मैं गाइड करता हूँ, तो जॉब के लिए उनको मैं क्या बताता हूँ, ज़्यादातर उनको मैं सजेस्ट करता हूँ फील्ड वर्क। हाँ। उसमें क्या होता है, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, या रिलायंस जियो में कोई काम है, तो फील्ड वर्क में उनका क्या होता है ना कि अगर वो 2-3 घंटे भी अपना काम करते हैं तो उनका काम एक तरह से पूरा हो जाता है। और आपका क्लासेस कितने देर का रहता है? जी देखिए, मेरे फिलहाल क्लासेस तो सैटरडे संडे है, 12 से 3 बजे तक मेरा क्लासेस का टाइम घंटे रहता है, 3 घंटे का। इनकेस अगर स्टूडेंट्स बढ़ रहे तो बैचेस भी ज़्यादा होंगे और टाइमिंग भी ज़्यादा होगा। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं जितना मेरा नॉलेज मतलब उनको दे सकता हूँ मैं दे दूँ। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर मास उद्यम प्रोडक्शन में हमारे पास कंप्लीट है, जैसे कि आप म्यूजिक कैसे होता है, डबिंग कैसे होते हैं, एडिटिंग कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ भी आपको एक्स्ट्रा सीखने मिलेगी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गाइस म्यूजिक भी आपको, म्यूजिक में अगर कुछ करना चाहते हैं तो भी रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके पूरा आपका अपलोडिंग तक पूरा यहाँ पे बताया जाएगा। और आप अगर एक्टिंग करते हो तो एक्टिंग में भी पूरी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, तो आप यहाँ पे इजीली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर जॉब के साथ साथ ये करना चाहते हो, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप ज्वाइन करो फील्ड वर्क। अगर फील्ड वर्क आप ज्वाइन करोगे तो आपको 2-3 घंटा इजीली मिल जाएगा, अगर आपके पास बिल्कुल भी बैकअप नहीं है पैसे का, तो ये आप कर सकते हो, आपके लिए ये ऑप्शन है। तो सर और क्या क्या उनको कैमरा एक्टिंग ये वगैरह सिखाई जाती है, कैमरा प्रैक्टिकल? देखिए एक्टिंग में जो लगती है ना, एक्टिंग में जो कुछ लगता है कंप्लीट पैकेज हम लोग दे रहे हैं सिर्फ 1500 रुपये में, एज अ पार्ट टाइम कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पास। कैमरा फेसिंग क्या होता है, डबिंग क्या होती है, जैसे आप लोगों को लगता होगा ना कि बहुत ईजी आ रही है फिल्म में काम करना, बहुत ईजी, लेकिन बहुत टफ होता है सब। मैं भी पहले सोचता था बहुत ईजी है, लाइक कैमरे के सामने जाना है सिर्फ डायलॉग्स बोलने खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैक स्टेज काम जो करते हैं ना उनको पता है कि उन पे क्या बीतती है जब एक फिल्म बनाना होता है। सर ऑडिशन के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑडिशन कहाँ पे जाए देने, तो ऑडिशन के बारे में कुछ यहाँ से लिंक मिल सकता है क्या? ना वही तो बोल रहा हूँ आपको, हमारे पास कंप्लीट मिलेगा ऑडिशन। हाँ। कहाँ पे देते हैं और जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं? तो मेन चीज़ वही है। हाँ। वहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग ट्रैप में आ जाते हैं, बहुत लोग पैसा दे दे के ऑडिशन देते हैं कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो, और घर से ही वो लोग सिलेक्ट होके आते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आप आ जाओ, 50,000 रुपये भरो और आपका हो गया, आपको किसी मूवी में आपको दे देते हैं। हाँ। तो ऐसा बोला जाता है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी देखिए, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मुंबई में ना लाखों एक्टर पड़े हैं, लाखों एक्टर, अगर उनको काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, फेस टू फेस वो लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो आप किसी दूर शहर में एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि आपको काम मिलेगा? तो पहले जहन में रखिए कि पैसों से काम नहीं मिलता है, आपके टैलेंट से आपको काम मिलेगा। अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग प्रोडक्शन हाउस आपको 1 रुपये भी पूछते हैं ना, तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, तो उनके झांसे में मत आइए, बस इतना ही मेरा कहना है। हाँ गाइस, कहीं भी जहाँ पे पहले आपसे पैसा मांगा जाता है बिल्कुल फ्रॉड है गाइस, उसके चक्कर में आप पढ़ो ही मत। ये आपको पूरा म्यूज़िक के बारे में पूरा गाइड करेंगे। यहाँ पे अगर आप सिंगिंग करते हो या फिर म्यूज़िक लाइन में कुछ भी आपका इंटरेस्ट है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझाएंगे, और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा प्रोसेस, रिकॉर्डिंग से लेकर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग तक का पूरा करके देंगे। तो सर क्या क्या इसमें रहेगा, अगर कोई यहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाने आता है तो उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग सब मिल जाएगी? जी बिल्कुल, जैसे कि अगर कोई सिंगर पहले अगर नया प्रोजेक्ट तैयार करना चाहता है, जैसे कि कोई नया गाना अगर गाना है किसी को, सबसे पहले उसकी भूमिका क्या होती है उसमें, वो पहले राइटर के पास जाएगा और अपनी पसंद नापसंद बताएगा कि मुझे इस टाइप का गाना गाना है, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, तमिल, ETC, वो बताएगा कि मुझे ये गाना गाना है। ओके। उसके बाद राइटर उसको गाना देगा, कंपोज करेगा, फिर उसके बाद कंपोजिंग के बाद वो हमारे पास आते हैं। ओके। वो विदाउट म्यूजिक धुन के साथ डमी करते हैं।
जब दमी लेने के बाद हम उस पर रिदम बनाते हैं, मेलेडी करते हैं, मिक्स करने के बाद जब ट्रैक रेडी हो जाता है फिर सिंगर को बुलाया जाता है। फिर सिंगर आके उसको गाता है, गाने के बाद मिक्स करके मास्टर करके फिर रिलीजिंग कंपनी को दिया जाता है। वीडियो प्रोडक्शन भी हो जाता है यहाँ पे? हाँ हाँ, यहाँ पे वीडियो ऑडियो मतलब अच्छा। जैसे कि ऑडियो करने के बाद शूटिंग का डिपार्टमेंट, वीडियो डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, वो देखते हैं सुमित भैया, सुदीप सर। और जैसे कि गाना कंप्लीट होने के बाद मेरा काम यहाँ तक ऑडियो कंप्लीट करना है, ऑडियो के बाद वीडियो डिपार्टमेंट बगल में। तो मैं नंबर डाल दूंगा यहाँ पे, नंबर मैं डाल दूंगा तो वहाँ पे डिटेल उनको बता दिया जाएगा ना। हाँ, अगर जो कॉल करेंगे उनको समझा दिया। माँ सुदामा प्रोडक्शन, हाँ, जिस प्रोडक्शन जिस परिवार के मैं एक सदस्य हूँ, हाँ, उस तरीके से सुदीप सर, सुमित, हाँ, सर, हाँ, ये लोग भी एक मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है सबका। जैसे मेरा ऑडियो डिपार्टमेंट है तो एक लोग का वीडियो डिपार्टमेंट है, किसी का रिलीजिंग डिपार्टमेंट है, मतलब ये एक ही घर के अंदर ऑडियो वीडियो शॉर्ट मूवीज एक्टिंग 35mm फिल्म्स वगैरह, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम डबिंग सब कुछ एक सिने जगत से एक पूरा का पूरा हिस्सा माप सुदामा प्रोडक्शन हाउस के अंदर आने के बाद आपको सारा कुछ कंप्लीट व्यवस्था मिल जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप पूरा था। ये यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्डिंग से लेके मिक्सिंग मास्टरिंग और वीडियो प्रोडक्शन सारा आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। और जितनी इन्फॉर्मेशन अभी मैं दे रहा हूँ या फिर देते आ रहा हूँ मैं अब वीडियोज़ में, उसको फॉलो करिए और सारी चीज़ें पहले सारा जो भी आपके इन्फॉर्मेशन की चीज़ है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेके प्रॉपर फिर आइए। ऐसा ना हो कि फिर यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे फंस जाओ और फिर आपको घर जाना पड़े, ना घर के घर जाने लायक रहो ना यहाँ रहने लायक रहो। ऐसा मत करो आप लोग, आप लोग सोच समझ के आओ और सही डिसीजन लो और फिर आओ, अच्छी क्लासेस है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, वहाँ से आप इनका सर का नंबर ले लेना और एड्रेस मैं डाल देता हूँ आपको। जो अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो जो मैं नहीं यहाँ पे पूछ पाया तो आप ये चीज़ें उनसे पूछ सकते हो और ये सारी जानकारी आपको दे देंगे। तो गाइज यहाँ पे आप आ सकते हो। आज की वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड, थैंक यू।